जांचा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है। तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों जो आवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को उनके इदारों को चंदा भेजते हैं उनकी भी जाँच होनी चाहिए। यूपी में अवैध मदरसों की जाँच पूरी हो गयी। SIT ने जाँच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान 13,000 अवैध मदरसे मिले जिनको बंद करने की सिफारिश की गई। ऐसे ज्यादातर मदरसे नेपाल बॉर्डर से जुड़े हैं। साथ ही कई ऐसे मदरसे हैं जो अपने हिसाब किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। आशंका ये भी जताई जा रही है कि हवाला से मिल रही रकम से इन मदरसों का निर्माण हुआ। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियाँ होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है हुई हो और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पर लगातार हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आखिरी मुद्दे क्या है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, UCC, हलाल प्रोडक्ट, इन सब मुद्दों के पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप जाना चाहती है, इसलिए आज मदरसों की बात कर रही है जिससे उसे किसान मजदूर नौजवान पे जवाब न देना पड़े। भारतीय जनता पार्टी अवैध मदरसों के नाम पे लगातार हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो मुद्दों पे सवाल पूछती रहेगी, मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी को भागने नहीं देगी। खाड़ी देशों से मदरसों को फंडिंग के आरोपों को नकारते हुए दारुल उलूम के प्रवक्ता सुफियान निजामी ने इस मसले पर कहा कि मदरसों का सोर्स ऑफ इनकम मुल्क की आवाम से मिला चंदा होता है और मदरसों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो देश में चलने वाले अन्य आश्रमों की भी जांच होनी चाहिए। कानून के तहत सिर्फ मदरसों को लाकर बदनाम करना उचित नहीं। अब एक इल्ज़ाम ये आयद करके कि मदारिस इस्लामिया की फंडिंग खाड़ी देशों से हो रही है, ये कतई तौर पर मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। और अगर यही पैमाना है कि किसी भी इदारे की, किसी भी तंजीम की खाड़ी देशों या बैरूनी मुल्क से फंडिंग नहीं होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि फिर तमाम इदारे जो मुल्क के अंदर हैं या तमाम आश्रम जो मुल्क के अंदर हैं या जो तमाम मजहबी लीडर चाहे वो जिस भी धर्म के हों जो आवामी चंदा लेते हैं या बाहर से उनके मानने वाले उनके आश्रमों को उनके इदारों को चंदा भेजते हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। वही ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 13,000 मदरसों को बंद किए जाने की सिफारिश पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा मदरसे धार्मिक शिक्षा का केंद्र है, ये संस्थाएं संविधान में दी गई इजाजत के अनुसार चलती हैं। 506 मदरसों को छोड़कर बाकी हजारों मदरसे मुस्लिम कौम के आपसी चंदे से चलते हैं। इनके संचालन और पढ़ाई लिखाई में हुकूमत कुछ भी मदद नहीं करती, इसलिए मदरसों को बंद करने का आदेश देना उचित नहीं। जानकारी ये मिली है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है, तो इस सिलसिले में हमारा कहना यह है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालमियत और एकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। जिस मदरसे
को भी इसमें मुलव्वस पाया जाए, या जो व्यक्तियां जो शख्सियात भी अगर इसमें मुलव्वस हैं तो उनका चेहरा ओपन करना चाहिए, मदरसे का नाम बताना चाहिए ताकि लोग जो है होशियार रहें और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाना चाहिए। आपको बता दें कि SIT ने जिन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की उसमें से ज्यादातर नेपाल सीमा से लगे महराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच समेत 7 जिलों में हैं। हर एक सीमावर्ती जिलों में ऐसे मदरसों की संख्या 500-500 से ज्यादा है। SIT ने रिपोर्ट में कहा कि इन मदरसों से उनकी आय और व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो वो उपलब्ध नहीं करा पाए। इससे आशंका जताई जा रही है कि सोची समझी साजिश के तहत जुटाई गई रकम को हवाला के जरिए मदरसों के निर्माण के लिए भेजा गया। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया, लेकिन चंदा देने वालों का नाम नहीं बता पाए। जांच में कुल 23,000 मदरसों में से 5,000 के आसपास अस्थायी मान्यता के दस्तावेज मिले हैं। यहाँ ये भी आपको बता दें कि शुरुआती जांच के बाद SIT ने सीमावर्ती इलाकों में स्थित मदरसों में करीब 100 करोड़ की फंडिंग की आशंका जताई थी, जिसके चलते UP सरकार ने सभी मदरसों की जांच के आदेश दिए थे।